ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर हिंदुस्तानी की नजर इसरो के मून मिशन पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है और अब आज शाम 7 बजे के आसपास चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। देश ही नहीं पूरी दुनिया भारत के इस ऐतिहासिक मून मिशन पर टकटकी लगाए बैठा है। चांद के करीब चंद्रयान, इतिहास रचेगा हिंदुस्तान। कुछ घंटे बाद चांद के इलाके में चंद्रयान। जय हिंदुस्तान, चांद की कक्षा में चंद्रयान। बनेगा नया कीर्तिमान, पीछे सारा जहां। चंद्रयान 3 बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। भारत के गौरवशाली और दुनिया में नई पहचान बनाने वाले चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि हमारा यान अपने पड़ाव का एक और हिस्सा पार कर अपने मिशन में आगे बढ़ेगा। 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से चंद्रयान 3 ने करीब 2/3 दूरी तय कर ली है। प्रक्षेपण के बाद से यान ने कक्षा में ऊपर उठाने की प्रक्रिया को 5 बार सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसरो के अनुसार आज एक और महत्वपूर्ण प्रयास में चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए आज शाम करीब 7 बजे निर्धारित है। आज चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर वाली अंडाकार ऑर्बिट को पकड़ेगा। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट मैन्यूवर होगा। 17 को ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 डाला जाएगा। उसी दिन प्रोपल्शन और लैंड मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा के 100x30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे चांद की दक्षिणी सतह पर इसकी लैंडिंग होगी। दरअसल माना जा रहा है कि चांद की दक्षिणी सतह पर अभी तक कोई देश सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में भारत का ये मून मिशन बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा और भारत नया कीर्तिमान रचेगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रयान 3 की अब तक की सफलता को देखते हुए दुनिया में मून मिशन लॉन्च करने की रेस शुरू हो गई है। इस कतार में दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले बड़े बड़े देश शामिल हैं। दुनिया के तमाम विकसित देश हिंदुस्तान की तरह ही साउथ पोल में ही अपने ज्यादातर मून मिशन प्लान कर रहे हैं। जिस वक्त चंद्रयान चांद की कक्षा में होगा, उसी समय रूस भी अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लॉन्च करेगा। अगस्त के महीने में ही रूस अपने स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को चांद पर भेजने जा रहा है। खबरों के मुताबिक 10 से 12 अगस्त के बीच रूस अपने इस मिशन को लॉन्च कर देगा। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमा के जिस साउथ पोल पर भारत का चंद्रयान उतरने वाला है, उसी जगह पर रूस का लूना 25 भी लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान की तरह लूना 25 भी साउथ पोल की मिट्टी और दूसरे कॉम्पोनेंट्स की स्टडी करेगा। चंद्रयान की तरह लूना 25 में भी सोलर पैनल्स लगे हैं, जो चांद की सतह पर सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पैदा करेंगे। चंद्रमा का साउथ पोल धरती के लोगों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। यही वजह है कि रूस से लेकर अमेरिका तक भी इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। 2025 में नासा साउथ पोल में अपना पहला ह्यूमन मिशन आर्टेमिस 3 लॉन्च करेगा, यानी पहली बार चांद के साउथ पोल पर किसी इंसान को उतारने की प्लानिंग है। अगर अमेरिका का ये मिशन सफल हुआ तो 51 साल बाद पहली बार चांद पर किसी इंसान के कदम पड़ेंगे। आखिरी बार साल 1972 में अमेरिका ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। अमेरिका के मून मिशन के लिए
चंद्रयान 3 का सफल होना बेहद जरूरी है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो डेटा चंद्रयान भेजेगा उससे नासा को अपने मिशन में काफी मदद मिलेगी। यानी चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद सुपर पावर अमेरिका भी जय हिंदुस्तान करेगा।